रिकॉर्ड से बता रहा हूं इन्फोसिस में जब भी रिजल्ट वाले दिन वायलेंट मूव आता है, है उसके बाद वो स्टॉक जो है आ, अगले तीन महीने तक टेक्सचर उसका वही रहता है इन्फोसिस का टेक्सचर अभी कुछ टाइम तक सेलून रैली रहने वाला है मैंने मेंशन किया था आपको इन्फोसिस बाय करने है? का मौका मिलेगा अगर किसी तरीके से आपको हजार से ग्यारह सौ के बीच में आ जाइए स्टॉक तब मिलेगा लेकिन उसमें तरीका क्या है आप देखिए बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता अब यहां से जो भी डिक्लाइन आएगी इन्फोसिस में टिल नेक्स्ट क्वार्टर आपको उस हर डिक्लाइन में एस करना है और अच्छे स्टॉक्स जो है ना आपको तभी पोर्टफोलियो मिलते हैं जब इस तरीके का टाइम चल रहा होता है ये आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए चाहे इन्फोसिस का देख लीजिए एच बैंक का देख लीजिए बजाज फाइनेंस का देख लीजिए एशियन पेंट्स का देख लीजिए डिवीज लैब्स का देख लीजिए बाय करने का जोन तभी होता है एक जब आप पोस्टमार्टम करेंगे ना इन स्टॉक्स का कि काश मैंने मैंने ले मैं ले लिया लिया तो काश होता तीन साल बाद आप कह रहे होते थे काश मैंने उस दिन ले लिया होता लेकिन नियर टर्म में आपको तंग करेगा अब आप आज मान लो बत्तीस पर ले लें ले और कल ये स्टॉक ग्यारह पर आ जाए तो आप कहेंगे कि मैं तो फंस गया तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अब जो अगले तीन महीने में ये अपॉर्चुनिटी देगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए देगा ट्रेडर अगर आप हैं तो ट्रेडिंग में सेल ऑन रैली इन्फोसिस में भी बाकी आई टी स्टॉक्स में भी बहुत क्लियर अप्रोच रही थी हमारी उस दिन भी मैंने कहा था कि जब रैली आएगी तब आप एज ए ट्रेडर बेचें जहाँ वो रैली फेल हो वहाँ बेचें मतलब ये ये भी टाइम करना ज़रूरी होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अगले तीन महीने में आई आपको बहुत अच्छी, अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा आ, लेकिन फिर वही बात है जब स्टॉक इस तरीके से गिर रहे हो तब आप ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वो आपका टेक्सचर का टेस्ट होता है